शारदीय नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। उन्होंने गोरखपुर को 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने जंगल कौड़िया विकास खंड के रसूलपुर चकिया में महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय परिसर में निर्मित सभागार का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने जहां जनसभा को भी संबोधित किया है। नवरात्र के पहले दिन आज सीएम योगी ने गोरखपुर को करोड़ों की सौगात देकर नवरात्रि की शुभकामना दी। सीएम योगी ने जंगल कौड़िया विकास खंड के रसूलपुर चकिया में महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय परिसर में निर्मित सभागार का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में छात्रों को उन्होंने स्मार्टफोन का भी वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम से खेल प्रतिभाओं को और बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र की तमाम ऐसी प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। प्रदेश की सरकार ने तय किया कि हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास मंडल स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, खेल कूद की सुविधाएं बढ़े, स्पोर्ट्स हॉस्टल बने, अच्छे कोचेज को हम उसके साथ जोड़े और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी की भावना सीएम योगी ने गोरखपुर में छात्र युवाओं और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि मां दुर्गा की कृपा तभी बरसेगी जब साफ सफाई होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गंदगी से उत्पन्न हुई बीमारियों पर होने वाले खर्च साफ सफाई से बचेंगे, जिनका उपयोग विकास में हो पाएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी ने सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी गिनाया और बताया कि पहले की तुलना में कैसे गोरखपुर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नवरात्र के पहले दिन ही गोरखपुर को नई सौगात दिया। 16 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों आज जंगल कौड़िया में हुआ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने सभी गोरखपुरवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 700 से अधिक दिव्यांगजनों को जो है उनके उपकरण वितरित किए, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के पहले स्टेडियम के लिए सभी गोरखपुरवासियों को बधाई दी। सीएम योगी का गोरखपुर से खास लगाव है और जब भी वो गोरखपुर जाते हैं यहाँ की जनता को बिना सौगात दिए नहीं जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गोरखपुर को स्टेडियम की सौगात दी गई है। महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम का लोकार्पण किया है और रसूलपुर चकिया में स्टेडियम का लोकार्पण भी किया गया है। तो क्या कुछ सौगातें दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। रसूलपुर चकिया में स्टेडियम का लोकार्पण भी किया गया है और 10.16 करोड़ रुपए की लागत से बना है स्टेडियम। इसके साथ ही साथ स्टेडियम में 250 लोगों के बैठने के लिए पवेलियन तैयार किया गया है। 300 मीटर का 8 लेन का सिंथेटिक का रनिंग ट्रैक बनाया गया है। स्टेडियम में खास कुश्ती ग्राउंड भी तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के खेल प्रतिभाओं को मौका मिलेगा।